हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि कब आप किसी की हत्या कर देंगे और आपको जेल भी नहीं होगी। आपको तो यह सुनकर बहुत ही हैरानी हो रहा होगा कि क्या हम किसी की हत्या कर दें और हमें जेल भी ना हो। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर मैं अक्सर ऐसे ही इंटरेस्टेड लॉ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आपके काम की होती है। इस चैनल के माध्यम से आप अपने कानूनी ज्ञान को बढ़ाइए क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो अब आइए शुरू करते हैं। IPC के सेक्शन 100 राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी में 7 कंडीशन बताया गया है कि जब भी कोई आप पर हमला करे तो आप अपने डिफेंस में उस व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं। तो अब आइए हम उस 7 कंडीशन को समझते हैं। अप्रिहेंशन ऑफ डेथ, मतलब कि अगर कोई आपकी हत्या करने आए और अगर आप उस व्यक्ति की हत्या नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति आपकी जान ले लेगा, तो इस कंडीशन में आप उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। अप्रिहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, कोई आपको गंभीर चोट पहुँचाने की कोशिश करे, जैसे कि आपकी इतनी पिटाई कर दे जिससे कि आपकी जान जाने की संभावना हो, तो इस सिचुएशन में भी आप दूसरी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला या लड़की से रेप करने के इरादे से आए तो महिला या लड़की अपने बचाव में दोषी व्यक्ति की जान ले सकती है। अननेचुरल लस्ट, मतलब कि अगर कोई अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश करे, जो कि IPC के सेक्शन 327 में बताया गया है, तो यहाँ भी दोषी व्यक्ति की जान ली जा सकती है। किडनैपिंग और एबडक्टिंग, कोई आपका अपहरण करने की कोशिश करे तो भी आप अपहरण करने वाले व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। रॉन्गफुली कन्फाइनिंग, अगर कोई आपको कहीं कैद करके रखे और आप वहां से भागकर पुलिस के पास जाने में असक्षम हो तो भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस में मर्डर कर सकते हैं। थ्रोइंग एसिड एंड इट्स रिजल्ट इज ग्रीवियस हर्ट, अगर कोई आप पर एसिड अटैक करे और उस अटैक से अगर आपको गंभीर रूप से घायल होने की संभावना हो तो आप दोषी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको 7 कंडीशन बताया, आप बेशक उस 7 कंडीशन में किसी को जान से मार सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आप पर किसी ने एसिड अटैक या फिर आपको जान से मारने की कोशिश की या फिर अभी जो मैंने 7 कंडीशन बताया उसमें से कुछ भी, तब जाकर आपने मजबूरी में उस व्यक्ति को जान से मारा। अगर आप उस व्यक्ति को जान से नहीं मारते तो व्यक्ति आपका बड़ा नुकसान पहुँचा सकता था, तब जाकर आपने मजबूरी में उस व्यक्ति की हत्या की। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।